दोस्तों आपको मालूम है कि अगर आप अपनी नाक बंद करेंगे तो आप हम नहीं बोल सकते। एक बार कोशिश करके देख लीजिएगा, हो जाए तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। हमारी सीरीज घर के शेफ का 5th एपिसोड है दोस्तों, और इसमें हम आपको सिखाएंगे सोया चंक्स के पकौड़े, स्नैक्स या स्टार्टर जिसको हम बोलते हैं वो बनाना हम सिखाएंगे, उसकी रेसिपी आपको बताएंगे। मैं हूँ आशीष रोहिला और आप देख रहे हैं शिकारी गंज। चलिए दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं, चलिए मेरे साथ किचन में आइए। आ जाओ भाई, मसाला वसाला छूट जाएगा, कुछ फिरगाओगे स्वाद नहीं आया। तो दोस्तों मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, इसमें सारी चीज़ें मैं एक करके आपको बताता जाऊंगा कि मैं क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी मिला रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने लिया है सोया चंक्स, जिसे मैंने उबलते हुए पानी में नमक डाल के 15 मिनट पहले भिगो दिया था और अच्छे से निचोड़ लिया था ताकि उनका सारा पानी निकल जाए। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे लगभग 3 बड़े चम्मच अरारोट के, 3 बड़े चम्मच मैदा, थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 बड़े चम्मच दही, 3 मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले चाट मसाला, धनिया पाउडर 1-1 चम्मच, नमक देखिए दोस्तों नमक स्वाद के अनुसार ही मिलाना है, क्योंकि हमने जब सोया चंक्स भिगोए थे तो पानी में नमक ऐड किया था, इसीलिए ये गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च। मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से ही आपको ऐड करना है, आप चाहें तो इसमें मैगी मसाला या चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए, अगर आपको चिकन वाला टेस्ट चाहिए तो। अब उसको चम्मच से ऐड नहीं करेंगे, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, इसको हाथों से ऐड करेंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए इस तरह से। आपको इसे कम से कम इसी तरह से 10 से 15 मिनट तक ऐसे मिक्स करना है ताकि एक एक चंक्स में मसाला अच्छे से उतर जाए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 15 मिनट तक इसको मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, एक एक चंक्स में मसाला अच्छे से ऐड हो गया है। अब हम इसको कढ़ाई में डीप फ्राई करेंगे, तो उसके लिए आप रिफाइंड ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं। मैंने इसको फ्राई करने के लिए रिफाइंड का यूज़ किया है। जब तक कढ़ाई में हमारा ऑयल गर्म होगा तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिए प्लीज़। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल गर्म होना शुरू हो गया, अब हम इसमें एक एक करके अपने सोया चंक्स डालना शुरू करेंगे। ध्यान रहे एक एक करके ही डालना है। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें डीप फ्राई करना है। ये देखिए जब ये कुछ ऐसे दिखने लगे तो समझ लीजिए कि ये फ्राई हो चुके हैं, अभी इन्हें निकाल लीजिए।
तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे सोया चंक्स के स्नैक्स एकदम रेडी हैं। आप इसके ऊपर हल्का सा गार्निश कीजिए इसको चाट मसाले से, और इसको सर्व कीजिए चिली सॉस या मिंट सॉस के साथ, या आप यूज़ कर सकते हैं टमाटो सॉस। और ये देखने में जितने क्रंची हैं अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ये देखिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।